आज एक और सीख लिया, आज एक और सीख लिया, रिकॉर्ड करना भी सीख लिया। चलो, सर आप कहाँ पे हैं? मैं अपने घर में हूँ। नहीं, बुक में। बुक में मैं हूँ। वन टू थ्री, थर्ड थर्ड पैराग्राफ में हूँ। पेज नंबर 13। पेज नंबर तुम्हारा थर्टीन फोटो भेजे थे। थर्ड पैराग्राफ, अनविलिंगली बीच में है, थर्ड पैराग्राफ के बीच में। उसमें तीन सिक्स लाइंस हैं, सिक्स लाइंस के बीच में है अनविलिंगली, चौथे लाइन में। मिल गया? उसमें मेरा क्वेश्चन आंसर है, उस पेज में। उस पेज में मेरा क्वेश्चन है। क्या है? हाँ, उस पेज में क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। नहीं है कि इसमें क्वेश्चन नहीं है। ओके, पेज नंबर 13, थर्ड पैराग्राफ, और थर्ड पैराग्राफ का फोर्थ लाइन। अब क्लियर है? यस सर। यस सर। आई अनविलिंगली, अविनाश, इज इट क्लियर नाउ? अनविलिंगली मींस विदाउट ए डिजायर, मींस he did not want to separate from Tommy, but he had to separate, उसे छोड़ना पड़ा, and he went away. I felt, clear? Yes, sir. He turned to wave just once and then became one of the hundreds. One of the hundreds. Noun of noun. One of the के बाद अगला noun हमेशा plural होता है। देख लीजिए, hundreds है, one of the hundreds. One of the hundreds of great men drifting, drift. Drift means तैरना, a dry leaf drifts, a dry leaf floats, a dry leaf swims, the swim, float, drift, ये सब का मीनिंग होता है पानी के सतह पर तैरना या हवा में लहराना। क्लियर? तीनों वर्ब याद रखिए, ड्रिफ्ट, फ्लोट, स्विम। स्विम तो हम लोग जानते हैं। सर आप तीनों लिखवाए हुए हैं? लिखवाए हैं तो पंदो, वो तो पिछले साल ना लिखाए, इतना दिन कैसे रहेगा दिमाग में। Men drifting back towards their trenches means they return back to their trenches. From where? Make another sentence. From where? From where they had come. जहां से वे लोग आए थे। ये थैंक यू, इस पर ये थैंक यू तो बनता ही है। चलिए, दैट नाइट बैक इन आवर डगआउट्स मींस छिपने का स्थान। द व्हाट वाज डगआउट? हाँ, ट्रेंचेस वाज द डगआउट। डगआउट मींस hiding place. Clear है? Yes, sir. Hiding place of soldiers. You must note down the word meanings, because you have learnt a structure, you have learnt clauses, you have been learning direct indirect speech, means no part of grammar I have left. I have taught you every part of grammar. Only you will have to improve your vocabulary power. The more vocabulary you increase, the more capacity you will gain in our English language. Language. मतलब, the more
I have taught you. The more you improve your vocabulary, the more power you will get in English language. मतलब जितना अधिक आप vocabulary जोड़ेंगे उतना अधिक इंग्लिश में आपका कमांड बनेगा. आपको मैं बताया हूं, the higher we go, the cooler we feel. क्लियर है? The far away an object is, the smaller it looks. जितनी दूर कोई वस्तु होती है उतनी छोटी यह दिखती है. जितना गया ज्वाइन ऑल ऑफ यू ज्वाइन फिर से ज्वाइन करें. हाँ नहीं नहीं अभी हो रहा है. नहीं अब आ रहा है, वो ऑफ हो गया था, अपने आप आ रहा है. एक चीज आप मार्क करते होंगे, सर लेसन पढ़ाने से अधिक इंटरेस्ट किस में रखते हैं? आपको ग्रामेटिकल पार्ट पढ़ाने में, इसलिए कि आप सही सही इंग्लिश लिख सकें और बोल सकें. ये मेरा मकसद है. लैंग्वेज सीख लेंगे तो फिर कोई भी किताब पढ़ने, किसी भी किताब को पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. लैंग्वेज नहीं रहेगा तो क्लास फोर्थ की भी किताब पढ़ने में आपको दिक्कत होगी. ओके नाउ दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हर्ड आशीष आ गया. वी हर्ड हम लोग We heard means send them singing a carol. Carol जो होता है, Christmas song जो होता है, उसे हम carol कहते हैं. Note down, carol. Carol means song, religious song, Christmas song. Carol होता है, Christmas carol. And singing it quite beautifully means they were singing the carol, the song beautifully. Why beautifully? Because they were very happy. Making peace. After making peace, being free from the battle, संघर्ष से युद्ध से अलग हो करके enjoying peace, and so they were singing well. That's why I always suggest you to remain happy. इसलिए मैं कहता हूँ, beautiful song, beautiful result आप कब पाएंगे? जब आप बहुत खुश रहेंगे. बात समझ रहे हैं? Yes. That is the hidden message here. That they sang quite beautifully. It was still night. Still night नहीं है, यहाँ है still night. I have already given you the meaning of still. Two meaning of still. What are the meanings of still? Sir, इसमें दिया होगा silent night. एक होगा शांत और एक होगा साइलेंट नाइट दिया हुआ और एक पुराना. हाँ, साइलेंट मींस शांत और अभी. और एग्जांपल जय हैज स्टिल नॉट ज्वाइंड द क्लास. जय अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किया है. एंड इट वाज ए स्टिल नाइट मींस शांत रात. क्लियर है? यस सर. आवर बॉयज मींस टॉमी इन द टेलिंग. आवर बॉयज गेव देम ए राउजिंग कोरस. राउजिंग कोरस मींस खूब जोर से समूह में गीत. कोरस कोरस यू नो, जब समूह में गाते हैं तो कोरस होता है. अब व्हाइल
Shepherds Watched, and the name of the song was Shepherds Watched. While Shepherds Watched, it is the name of the song. Song. Yes, sir. We exchanged. Exchange means barter word you might have studied it in a social science. Barter. Yes sir. Yes. सर जय आ गया. सर जय आ गया. आ गया तो धन्यवाद. कब से? हेलो जय, कहाँ है? नहीं है. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. कब है? यस सर. हाँ जय, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. हाँ ओके. यस अब या एंड व्हाइल एंड देन ओके. We exchanged carols for a while means for some time. It is a yes, phrase. कुछ समय के लिए. हाँ, कुछ समय के लिए. For a while. Will you give me your book for a while? Will you give me your book for a while? No, no. I shall not give you because I am going through the book. मतलब? मैं अभी तुम्हें book नहीं दूँगा. बुक पढ़ रहा हूँ. बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू द बुक. यस एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. इट मीन्स दैट दे टुक रेस्ट बिकॉज इट वॉज नाइट. वी हैड हैड मार्किजे. वी हैड हैड डबल हैड है. क्लियरिफाई कर सकते हैं? हाँ. वी हैड अवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल. देख लीजिए, पीस एंड गुडविल. दीज आर द टू वेज फॉर सक्सेस. इफ यू ऑलवेज विश गुडविल टू अदर्स देन यू आर सर्टेन टू गेट सक्सेस. दैट इज द फिलोसफी ऑफ लाइफ. बल्ली का नाम की फिल्म आई थी, देखी थी क्या? अच्छा, हीरो कौन था? एक्टर हीरो का नहीं है. गुडविल मींस इफ यू थिंक गुड फॉर अदर्स. अनदर. हां, अदर दे दीजिए तो बहुत ही आ जाएगा. अनदर मींस एक ही दूसरा आएगा. अदर. अदर्स मींस सभी. यस, कहां बिलाइए गया? We had had our time of peace and goodwill. A time I will treasure as long as I live. This was the moment. This was the happy moment, which must be kept for the whole life. It cannot be forgotten. When we make peace, that is not forgotten. Yes, sir. Dearest Connie. Dearest Connie, now here once again comes to us. Who is writing the letter? Jim McPherson. Jim McPherson. To whom Jim is McPherson. He writing? To his wife. To his wife. Whose name his was? Wife is Connie. Mrs. Connie. Jim McPherson. And lovingly she was called Connie. So, dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing. This war will be nothing but a distant and terrible memory. This war will be only a memory. Means this war will not continue. It will end. It means that the war will end. I know. What? I know. एक अनिता है कहीं. I know. What is the meaning?
गुड्डू मैं जानता हूँ गुड्डू मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ कहाँ कहाँ मतलब बोल रहे थे ये तो गुड्डू बोल गुड्डू को कह रहा हूँ गुड्डू गुड्डू ही बोल रहा हूँ हाँ गुड्डू बोल रहा था क्या ओके आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड दैट यर दैट मींस जो मैं दैट का तीन मीनिंग बताया हूँ कौन कौन वह जो की ताकि चार बताया वेरी गुड चार बताया वह जो की ताकि वेरी गुड यहाँ पर क्या मीनिंग होगा दैट का आई नो ऑल दैट हैपेंड जो जो वेरी गुड जो हुआ था हुआ टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग Both armies long for long. What is the meaning of long here? Lamba. What is the meaning of long here? Lamba. Nice. Lucknow. Lucknow. सीधे super fast में Lucknow चले गए. Both armies. Long for peace. Long means desire. लिखाया हूँ. Long चाहना. Long means desire. मैं लिखा चुका हूँ. इसलिए कहा ये तो पिछले साल की बात है. मैं जानता हूँ ना. We shall be. भूल गए थे. Structure हो गया. We shall be. Yes, sir. Yes, be is here the main verb. Yes, sir. हाँ तो बताइए हम लोग होंगे We shall be together again soon without delay. I am sure of it. Now I think that all of you might have understood the lesson very nicely because clarifying every step I have gone through the lesson. Yes, are you ready? Yes, are you ready yes, to sir. Fight? Yes, sir. Are you ready to fight? Yes, sir. Yes, yes, sir. Yes, sir. Then the questions are before your sight. Are you ready to fight? If so, the questions are before your sight. Yahan sight means? सामने में आंखों के सामने में द फर्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड रिटन द लेटर टाइम एंड अगेन आई हैव आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन मिस्टर जी मैकपर्सन यस जी मैकपर्सन एंड टू होम टू हिज वाइफ स्वीट वाइफ एंड अगेन एंड वाइफ सॉरी 26 December 1914. Why was the letter written? Because something wonderful has just happened. Yes. Yes. Something wonderful. Everything what had happened. Something wonderful had happened. What was the wonderful that happened? What was the wonderful that happened? They were standing in their trenches. The wonderful thing was that both the enemy make peace. Yes. Make peace. Very good. What was better? It was the without both, any battle. Huh? What was the wonder? Are? Huh? What was the wonderful thing? That the same question is here. Pale main nahi dekha tha is question ko main apne taraf se wonderful puch diya tha. Okay, the wonderful thing was that
they came closer. They made peace in the battle ground, celebrating the Christmas day happily. They shared their food. जब बहुत लंबा क्वेश्चन हो, if this question is asked in four marks, then you will have to write a whole paragraph, and you can write it. Yes, sir. Yes. Question number third. What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson have when they were not soldiers? Sir, हम बोले. हाँ. Play a cello. When they were not soldiers, Hans Wolf was a school player in a archer, and Jim was a school teacher. ये कौन बोल रहे हैं? अनीता. हाँ? ये कौन जवाब दिए हैं? हाँ. हाँ कौन? हाँ? अब बोलेंगे नहीं. ओके, मुझे लगा है कि ये रटा हुआ क्वेश्चन है. ये कहीं से रटा हुआ क्वेश्चन है. हाँ, ओके, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा. What jobs did Hans Wolf and Jim McPherson? Jim McPherson was a teacher. Jim McPherson was a school teacher. School teacher. And what was school Hans teacher. Wolf? Cello player in orchestra. Yes. Now question number four. Had Hans Wolf ever been to Dorset? No. He had, इसी क्वेश्चन से लेकर के लिखिए, he had never been to